हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अपने शेयर होल्डर को मल्टीबैगर स्टॉक की तरह रिटर्न दिए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इस स्टॉक की प्राइस की बात करें तो मात्र 370 रुपया पर अभी के समय में ट्रेड कर रहा है। यदि स्पेन स्टॉक की वन डे की फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बात करें तो 11.35% का ब्रेकआउट जो कि हाई वोल्टिलिटी में देखने को मिला। वहीं पर इस स्टॉक की 5 डे की बात करें तो 5 डे में यह स्टॉक 15.77% का ब्रेकआउट दिया है हाई वोल्टिलिटी में। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में यह स्टॉक 11.70 का वोल्टिलिटी दिया है, और ईयर्स की बात करें तो 1 साल में स्टॉक 37.62% का ब्रेकआउट दिया है। और इस स्टॉक की मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट में स्टॉक 37.62% का ब्रेकआउट दिया है, जो कि हाई वोल्टिलिटी में ही देखने को मिला। यानी कि इस स्टॉक की मार्केट लिस्टिंग की बात करें तो मार्केट लिस्टिंग 231 पर लिस्ट हुआ था 13 अप्रैल जो कि 2022 में ये मार्केट में लिस्ट हुआ था, और उसी समय इसका IPO भी आया था। तो काफ़ी अच्छा ये कंपनी रिटर्न पाया था। यानी कि इस कंपनी की बात करें तो ये स्टॉक देख सकते हैं अपने शेयर होल्डर को मल्टीबैगर स्टॉक्स की तरह रिटर्न पर रिटर्न दिए जा रहे हैं। यानी कि अभी इस स्टॉक की बात करें आज के दिनों में ओपन इंडिया की तो 288 रुपया पर ओपन हुआ था, हाई की बात करें तो 319 रुपया। यानी कि आज के दिनों में हाई की बात करें यानी कि 40 से 42 रुपया का अपर सर्किट लगा था आज के दिनों में इस स्टॉक में। लो की बात करें तो सेम पोजिशन पर लो देखने को मिला। मार्केट कैप की बात करें 7987 करोड़ है। पीई रेशियो की बात करें 18.89 है। वहीं पर इस स्टॉक की 52 वीक की हाई CDP स्कोर की बात करें तो 319 जो कि आज के दिन हम अपने 52 वीक की हाई सपोर्ट लेवल देखने को मिला, और लो की बात करें तो 169 है। यानी कि आज के दिनों इस स्टॉक में अपर सर्किट जो लगा है जो कि 52 वीक की हाई सपोर्ट लेवल के ऊपर देखने को मिला। यानी कि इस स्टॉक की अब बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट की, यानी कि इस स्टॉक की बात करें तो टोटल रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू देख सकते हैं 11.4%, नेट इनकम की बात करें 28.93 जो कि ऊपर की ओर एरो दिख रहा है जो कि प्लस पॉजिटिव पॉइंट में, नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन की बात करें तो अभी यहाँ नहीं शो रहा। यानी कि ऑपरेटिंग इनकम की बात करें इस कंपनी की तो देख सकते हैं 15.67। यानी कि ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा अभी के अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दे रहा है और लगातार ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट दिए जा रहा है। अब जो इस कंपनी का जो नाम है मैं आपको नाम दिखा देता हूँ। ये जो स्टॉक है देख सकते हैं हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि काफ़ी एक वेटेज कंपनी है जो कि 2022 में मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसका IPO भी आया था, तो अच्छा खासा बम्पर रिटर्न दिया था शेयर होल्डर को। और आज के दिनों में ये कंपनी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और देख सकते हैं आज के दिनों में हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज में जो कि 52 वीक की हाई सपोर्ट लेवल जो कि 12% जूम पर देखने को मिला। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज जो कि कल के दिनों में टारगेट भी किया गया था 10% प्लस अपर सर्किट देखने को मिल सकता है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, तो अभी के समय देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न में देखने को मिला। जो इन्वेस्टर सोच रहे हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट करें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और कंपनी अभी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट इंटरव्यू से हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।